क्या आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं लेकिन थीम पर ध्यान नहीं देते हैं? तो अब वक्त आ गया है जब थीम के मुताबिक निवेश करें और बम्पर मुनाफा बनाएं। एक्सपर्ट्स ने दो थीम को निवेश के लिए चुना है, चलिए बताते हैं आपको इन थीम्स के बारे में जो कर देंगी आपको मालामाल। अभी तक बाजार ने जिन थीम्स पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है उनमें इंफ्रा रियल्टी का नाम भी शामिल है, लेकिन अब घरेलू इकोनॉमी की गति पकड़ने, सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस और इंफ्रा कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए निवेशकों का रुझान ऐसी कंपनियों की तरफ बढ़ रहा है जो प्योर इंफ्रा या प्योर रियल्टी ना होकर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल्टी दोनों में एक्सपोजर रखती हैं। बाजार जानकारों का कहना है कि रियल्टी स्पेस में आ रही तेजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अपमूव का फायदा उठाने के लिए इंफ्रा रियल्टी कंपनियों पर फोकस इस समय एक अच्छी रणनीति हो सकती है। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में ऐसी वेयर हाउसिंग कंपनियों की तरफ बाजार का रुझान बढ़ता नजर आ रहा है जो न सिर्फ वेयर हाउस बनाती हैं बल्कि जो उनको लीज पर भी देती हैं। विल्सपन ग्रुप की एक ब्रांच विल्सपन लॉजिस्टिक पार्क कर्नाटका में वेयर हाउसिंग फैसिलिटी और लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए 2000 करोड़ रुपए की योजना पर काम कर रही है। विल्सपन ग्रुप की इस कंपनी ने कहा है कि वो उत्तर भारत में अपने कारोबार के विस्तार पर फोकस करेगी और तमाम छोटे बाजारों में ग्रेड ए वेयर हाउसिंग की स्थापना के लिए सरकारी जमीन के उपयोग की संभावनाएं तलाशेगी। एक इन्वेस्टमेंट फाइनेंस प्लेटफॉर्म फिजडम के हेड ऑफ रिसर्च नीरव करकेरा का कहना है कि वेयर हाउसिंग के अलावा इंफ्रा रियल्टी में कोल्ड स्टोरेज, स्पेशलाइज्ड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट लॉजिस्टिक सर्विसेज भी शामिल होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि इंफ्रा रियल्टी एक ऐसी थीम है जो इंफ्रा रियल्टी सेक्टर की प्योर प्ले के साथ अटैच जोखिम से बचाव करते हुए कमाई की अच्छी पेशकश कर रही है। इंफ्रा रियल्टी सेगमेंट को इकोनॉमी से आ रही मांग, पीएलआई योजना के तहत मिलने वाली सुविधा और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के प्रावधानों का फायदा मिलेगा। लॉजिस्टिक कंपनी वीट्रांस ने कहा है कि अगले 3 साल में वो अपने वेयर हाउस पोर्टफोलियो में 5 गुना विस्तार की योजना पर काम कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि इंफ्रा रियल्टी सेक्टर को गवर्नमेंट की हाल में जारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से फायदा होगा। सिर्फ इंफ्रा या सिर्फ रियल्टी में काम करने वाली कंपनियों की तुलना में इंफ्रा रियल्टी एक्सपोजर रखने वाली कंपनियों में निवेश करना क्यों बेहतर है, ये बताते हुए नीरव करकेरा ने कहा कि प्योर रियल एस्टेट कंपनियों को भारी पूंजी की जरूरत होती है। इसके अलावा प्राइस डिस्कवरी के मामले में भी इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस तरह प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जो रोडवेज और पावर ग्रिड बनाने का काम करती हैं उनको इकोनॉमिक साइकिल से जुड़े जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके लिए भारी मात्रा में पैसे जुटाना एक मशक्क़त का काम होता है। इसके अलावा प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पूरा होने की अवधि बहुत लंबी होती है, ऐसे में इनसे कमाई होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इस तरह की तमाम मुश्किलें इंफ्रा रियल्टी थीम में नहीं होती। बताते चलें कि इंफ्रा रियल्टी थीम से हमारा मतलब ऐसी कंपनियों से है जो देश के लिए तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम करती हैं। इनमें वेयर हाउस, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक पार्क जैसी इंफ्रा सर्विसेज डेवलप करने वाली कंपनियां शामिल हैं। इनमें निवेश करके निवेशक रेंट यील्ड के जरिए कमाई कर सकते हैं। बता दें कि इस रेंट यील्ड का निर्धारण प्रोजेक्ट के निर्माण के पहले ही कर लिया जाता है। इस तरह की कंपनियों में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BRL, गति और ऑल कार्गो के नाम शामिल हैं। इसके अलावा डिलीवरी और ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां भी इसकी श्रेणी में आती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कंपनियों पर निवेश के नज़रिए से नज़र रखनी चाहिए। हेम सिक्योरिटीज़ के मोहित निगम का कहना है कि L&T एक ऐसी कंपनी है जो इंफ्रा रियल्टी का अच्छा कॉम्बिनेशन है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। कंपनी ने सालाना आधार पर 12-15% का अपना रेवेन्यू ग्रोथ रेट बनाकर रखा है। आगे आने वाली तिमाहियों में कमोडिटी की कीमतों में गिरावट का फायदा कंपनी के मार्जिन में सुधार के रूप में सामने आएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।